सत्र के पहले तो पुलिस कर्मी भी असुरक्षित थे, आखिर यही लखनऊ है। इसी हजरतगंज में डिप्टी एसपी को कार की बोनट में टांग करके ले जाने का तो साहस हुआ था, लेकिन आज ऐसा कोई तो साहस नहीं कर सकता। आज से मालूम है अगर ये करेगा तो फिर क्या स्थिति होगी। सड़क पे अगर नमाज नहीं है तो सड़क पे हनुमान चालीसा भी नहीं है। सार्वजनिक स्तर पर कहीं भी कोई कार्य ऐसा नहीं जिससे आम जनमानस का राह चलते हुए किसी नागरिक के कार्य में कोई बाधा पैदा हो रही हो। वह नहीं है तो वह भी परिणाम आज उत्तर प्रदेश देख रहा है। अब लोगों को लगता है कि उत्तर प्रदेश ने कर लिया तो इसका मतलब अन्य राज्यों को भी अब इसी तर्ज पर आगे बढ़ना चाहिए, और जिसने उत्तर प्रदेश के इस परसेप्शन को बदलने में सर्वाधिक भूमिका का निर्वहन किया उनमें से एक क्षेत्र है, वह है उत्तर प्रदेश पुलिस बल के द्वारा किए गए प्रयास, बेहतर कानून व्यवस्था। आपने देखा होगा पिछले 6 वर्ष के अंदर अब उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते। उत्तर प्रदेश के अंदर संगठित अपराध समाप्ति की ओर है, पूरी तरह समाप्त हो चुका है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई आतंकी घटना नहीं घटित होती। उत्तर प्रदेश के अंदर अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम भी आज सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने गत वर्ष जब यह निर्णय लिया कि धर्मस्थलों के माइक हटेंगे, लोगों को लगता है क्या यह संभव है, और देखते ही देखते आपने देखा होगा कि मात्र 1 सप्ताह के अंदर 1,20,000 से अधिक माइक धर्मस्थल से उतर गए, स्वतस्फूर्त भाव के साथ उतरते हुए दिखाई दिए, और उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं कोई विवाद नहीं खड़ा हुआ। क्या यह संभव था? लोगों के लिए यह एक सपना है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए हकीकत है। उत्तर प्रदेश की आम जनमानस ने यह परिवर्तन भी देखा है। हम लोगों ने जब तय किया कि सड़कें आवागमन के लिए होनी चाहिए, सड़क पे कोई भी उपासना का कार्य, कोई भी बादगाह का कार्य सड़कों पे नहीं होगा। आपने देखा होगा रामनवमी रही हो, ईद रही हो, बकरीद रही हो, या फिर आगामी जो पर्व और त्योहार आएंगे, सड़क पे अगर नमाज नहीं है तो सड़क पे हनुमान चालीसा भी नहीं है। सार्वजनिक स्तर पर कहीं भी कोई कार्य ऐसा नहीं जिससे आम जनमानस का राह चलते हुए किसी नागरिक के कार्य में कोई बाधा पैदा हो रही हो। वह नहीं है तो वह भी परिणाम आज उत्तर प्रदेश देख रहा है। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रहे हैं। पहले पर्व और त्योहार आते थे, कोई भी पर्व और त्योहार किसी भी समुदाय के आते थे, एक भय एक दहशत लेकर के आते थे, पता नहीं क्या हो जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर और भी खराब स्थिति थी, और बहुत सारे परिवार ऐसे थे जिन्होंने अपनी बेटियों को स्कूली शिक्षा के लिए उत्तर प्रदेश के बाहर के किसी बोर्डिंग में, किसी छात्रावास में डाल करके दूर रिश्तेदारी में भेज करके वहीं उनको पढ़ाने का काम करते थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश देश के कानून व्यवस्था और सुरक्षा के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में एक लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है, और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को नजीर के रूप में लोगों ने मानना प्रारंभ किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा किए गए प्रयासों का एक परिणाम है, और सामूहिक रूप से किए गए प्रयासों का परिणाम हम सबके सामने है, और ये कॉमन मैन के मन में एक नया विश्वास भरेगा, आम जनमानस के मन में। अभी लोगों के मन में सुरक्षा का भाव पैदा हुआ है, पर्व और त्योहारों में लोग आज खुशी मना रहे हैं। अच्छा लगता है जब किसी व्यक्ति के चेहरे पर पर्व और त्योहारों के दौरान खुशी हो, अपने परिवार के साथ, सगे संबंधियों के साथ मिलकर के पर्व और त्योहार मना लेता है। 17 के पहले की स्थिति नहीं है कि हर दूसरे दिन दंगे हो जाए, अब वो स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं। 17 के पहले तो पुलिस कर्मी भी असुरक्षित थे, आखिर यही लखनऊ है। इसी हजरतगंज में डिप्टी एसपी को कार की बोनट में टांग करके ले जाने का तो साहस हुआ था, लेकिन आज ऐसा कोई तो साहस नहीं कर सकता। आज से मालूम है अगर ये करेगा तो फिर क्या स्थिति होगी। और इसीलिए मैं आप सबसे इस बारे में कहूंगा कि जिन लोगों को आज नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है वे लोग भी इस बारे में जरूर ध्यान दें।
कि जिस ईमानदारी के साथ, जिस पारदर्शी तरीके के साथ और जिस सुचतापूर्ण तरीके के साथ आपके चयन की प्रक्रिया संपन्न हुई है, किसी भी स्तर पर कोई सिफारिश की गुंजाइश नहीं थी। आप योग्य थे, सक्षम थे, आप यूपी पुलिस को अपने कैरियर का हिस्सा आपने बनाया है, ये हमारे लिए प्रसन्नता का क्षण है। और आप इसका हिस्सा बन करके आज प्रफुल्लित हैं, इसमें हमारी प्रसन्नता को और भी बढ़ाया है। लेकिन साथ साथ सरकार की अपेक्षा भी यही होगी कि आप भी उसी प्रतिबद्धता के साथ आप भी कार्य करके अपने आप को साबित करेंगे।